हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके आ चुके हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से देखें, इस चैप्टर का नाम ही देख लें, तो हमें ये बात यहीं से समझ में आ जाएगी कि इसमें हम पढ़ेंगे कुछ तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में और दूसरा उनका एलिमिनेशन हो कैसा रहा है थ्रू हमारा जितना भी ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है कंप्लीट उसके थ्रू। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, कवरेज लेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी की, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके चैप्टर का एक बिल्कुल डन एंड डस्टेड पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। एंड नोट साथ में फॉर्म करिएगा, साथ के साथ लिखते जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड लेक्चर के लास्ट में तो आपको नोट्स मिल ही जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले बात ये दिमाग में आ जाती है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो ठीक है, बट एक्सक्रीशन की प्रोसेस है क्या? व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? तो देखिए बेटा, अगर हम अपनी बॉडी से किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूवल कर रहे हैं या फिर हम रिमूव कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सिंपली द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हम किसी भी तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। जो मेन अगर हम बात करें कि हम ये जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं कहाँ से आए हैं, कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर वेस्ट क्या है वो हमें देखना है। तो वेस्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है ना। अब आप अपने घर से डस्टबिन जब फेंकने जा रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि वो कचरा इकट्ठा हुआ है ना आपके घर में। ऐसा तो नहीं है कि एक पॉलीथीन डाली किसी ने डस्टबिन में आप फेंक कराए, एक रैपर किसी ने डस्टबिन में डाला आप फेंक कराए। आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ है, आपके डस्टबिन में इकट्ठा हुआ है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आपके घर में कचरा हुआ है आप उसे फेंकने जा रहे हैं। तो वेस्ट क्या है हमें ये भी तो पता होना चाहिए, वेस्ट एक्चुअली है क्या? तो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है बेसिकली कुछ होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा गैसेस जैसे कि CO2, कुछ वाटर, काफ़ी सारे आयन्स जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। ऑब्वियसली इस सब का रिमूवल हम लोग करते हैं। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ है इसका या तो प्रोडक्शन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्सेस में आ गया हो, एक्सेस इंजेशन कर लिया हो बॉडी के अंदर, तब इसका हमें रिमूवल करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। अब ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसे या तो हम कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे या फिर हम इसे पार्शियली रिमूव करेंगे। रीज़न कि कुछ आयन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, हमारी हमारी बॉडी का हमें ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना है, तो उस ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ आयन्स को हम लोग बचा कर भी रखते हैं, तो पार्शियली रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। ये लाइन बेटा आपकी एनसीईआरटी की है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल लाइन है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, हमने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और भी सारी चीज़ें थी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बनता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन से। प्रोटीन के जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, बेसिकली आपके जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तब कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया एंड यूरिक एसिड हो गया। अब आपकी बॉडी में अमोनिया बना है वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया बना है वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर यूरिक एसिड बना है वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर आप इसे एलिमिनेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक एनिमल की हैबिटेट पर कि वो कहाँ रहता है। दूसरी बात, उसके पास में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब आप देखिए ना कि जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सफाई करते टाइम आपको झाड़ू पोछा लगाना है या पाइप से धुलाई करनी है, ये डिपेंड करता है ना कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो आप पाइप से धुलाई भी तो कर सकते हैं, बट अगर पानी कम है तो आपको झाड़ू और पोछा दोनों लगाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है कि आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से बॉडी की सफाई होगी। और दूसरी बात, हैबिटेट क्या है, कहाँ पर रहते हैं। अब पता चला आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आप धुलाई कर ही नहीं सकते, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब कई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी बॉडी में हो रहा होगा।
तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, जिनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, उन्हें हम लोग उस टाइप के एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म को हम लोग अमोनोटेलिज्म कहते हैं और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक, अगर इसी किसी ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया हो तो इस टाइप के एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म को हम लोग यूरियोटेलिज्म कहते हैं और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। वहीं अगर इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड हो तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म है इन्हें हम लोग यूरियोटेलिज्म एंड ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है इन तीनों में, तो ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसे रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो इसे रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। अब वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो एनर्जी इसे कम चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, धुलाई कर दो तो उसमें एनर्जी कम लगेगी, झाड़ू पोछे में आपकी एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी, तो उस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी। इसका जस्ट अपोजिट होगा यूरियोटेलिज्म में। आपकी यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी होती है बेटा मिनिमम, वाटर की रिक्वायरमेंट भी मिनिमम एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम, जबकि यूरियोटेलिज्म में ये एवरेज कंडीशंस होगी कि वाटर भी थोड़ा बहुत चाहिए, टॉक्सिसिटी भी थोड़ी बहुत है, एनर्जी भी थोड़ी बहुत लगेगी। ये सारी कंडीशंस इसकी एवरेज होती हैं। अब एग्जांपल्स अगर देखें तो जो वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होंगे ऑब्वियसली, जो लैंड पर रहते हैं कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल है वो आपके यूरिकोटेलिक होंगे, एंड जो नॉर्मल है हमारी तरह 5-6 लीटर पानी पी लेते हैं एक दिन में, वो होंगे यूरियोटेलिक। तो देखिए बेटा, काफ़ी सारी बोनी फिशेस, मैनी बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक। एक्वेटिक एम्फीबियन, जो एक्वेटिक एम्फीबियन है, दीज आर अमोनोटेलिक। एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक, जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, वहीं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब होंगे यूरिकोटेलिक। अब देखिए यूरिकोटेलिक ये कैसे होंगे, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जितने रेप्टाइल्स होते हैं, लिजर्ड्स वगैरह या फिर बर्ड्स वगैरह, तो इनका कभी आपने सूसू नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये किसी पेस्ट के फॉर्म में या फिर पैलेट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो वही रीज़न है कि वाटर इनके पास में कम है, उतना वाटर इनके पास में अवेलेबल ही नहीं है। यूरिक एसिड को ये लीस्ट वाटर से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, तो ये इनका एक मैकेनिज्म है जिसे ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यूरियोटेलिज्म में हम आते हैं ह्यूमंस, और जहाँ ह्यूमंस वहाँ फ्रॉग। ठीक, यानी कि मैमल्स। ठीक, ह्यूमंस में मैमल्स, मतलब मैमल्स में ह्यूमंस इस तरीके से, एंड काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो एम्फीबियन टेरेस्ट्रियल हैं वो इसमें आते हैं, और काफ़ी सारे फिशेस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस का एग्जांपल वन ऑफ द देम इज फ्रॉग, जो कि आपका यूरियोटेलिज्म शो करता है, एंड मैनी फिशेस। ओके, अब आता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में हमें देखने हैं स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट है। इस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सब में सेम तो नहीं होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग होंगे, हायर एनिमल्स में कुछ अलग होंगे। जो एनिमल किंगडम को अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं या फिर एक बार पहले कभी उन्होंने रिवाइज भी किया है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारे एनिमल किंगडम में 11 फाइलम हैं और इन 11 फाइलम में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े गए हैं। जैसे कि आपके पॉरीफेरा की बात की जाए, सीलेंट्रेटा की बात की जाए और टीनोफोरा की बात की जाए, तो इसमें ऐसा कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस ही नहीं किया है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जनरल बॉडी सरफेस से ही परफॉर्म की जा रही हैं। जबकि प्लेटीहेलमिंथीज में सबसे पहले एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आया, प्लेटीहेलमिंथीज जिन्हें हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, इनके पास में प्रेजेंट थी फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का ही एक और नाम होता है सोलेनोसाइट्स, या फिर इन्हें ही हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ठीक, या फिर इन्हें ही हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन फंक्शन बेटा, एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सक्रीशन तो कर ही रहे हैं, एक्सक्रीशन के साथ में मैकेनिज्म होता है, जो भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। बट आपके जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं इनके बारे में एनसीईआरटी एक बात लिख देती है कि ये जो हैं दीज आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ये होता है बेटा आयन एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है,
ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड यही जो फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, ये प्लेटीहेलमिंथीज के अलावा कुछ और एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे कि रोटीफर्स हो गए, कुछ एनिलेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सेफेलोकॉर्डिक्स यानी कि एम्फीऑक्सस इज द एग्जाम्पल, इनमें भी यही आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये आपके इसी चैप्टर में मेंशन है, आप इसे लिस्ट आउट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फाइलम इज एसके हेलमिंथीज, जिन्हें हम लोग राउंड वर्म्स भी कहते हैं। इनके पास में बेटा रेनेट सेल्स मिलते हैं। इसके बाद आता है एनिलिडा। एनिलिडा के पास में हम पढ़कर आए हैं नेफ्रीडिया मिलते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हम लोग जब कॉकरोच पढ़कर आए थे तो वहाँ हमने देखा था कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती थी, तो मेल्पिजियन बॉडीज प्रेजेंट हैं इंसेक्ट्स के पास। वहीं क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन, इसके पास भी प्रेजेंट होते हैं बेटा ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड, जो कि एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। एंड इसके बाद आता है एरेकिड्स, इनके पास में होती हैं कॉक्सिल ग्लैंड्स। ठीक, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, जिसके पास में क्रैब्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा, जिसके पास में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है, इसके पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता था जिससे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था। फिर आता है हेमीकॉर्डेटा, जिसके पास में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट थी, बड़ी सी हमने पढ़ी थी। फिर बात आती है कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा के पास प्रेजेंट है न्यूरल ग्लैंड, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में देख रहे हैं, उसके पास में प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रीडिया। फिशेस और एम्फीबिया के पास में प्रेजेंट होती हैं किडनीज, और रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स के पास भी प्रेजेंट होती हैं किडनीज, बट इन दोनों की किडनीज में कुछ है डिफरेंस। जो आपके फिशेज़ और एम्फीबियंस हैं, इनकी किडनीज़ होती हैं बेटा मीजोनेफ्रिक, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की किडनीज़ होती हैं मेटानेफ्रिक। रीज़न क्या है इन दोनों के बीच, आपको ये बात पता होनी चाहिए अलग ये हैं कैसे। देखिए, जो आपकी मीजोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक किडनीज़ हैं बेटा, जो आपकी मीजोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक किडनीज़ हैं, आपकी किडनीज़ के नेफ्रॉन जो आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनी की, उनके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा लूप ऑफ हेनले। अगर किसी नेफ्रॉन के पास में, बेसिकली जिस किडनी के नेफ्रॉन के पास में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। और अगर ये लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है तो इन्हें हम लोग कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। मतलब इनकी किडनीज के जो नेफ्रॉन है, इनके पास में लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है। ठीक है, ये हैं कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इन्हें थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बताया है मैंने क्योंकि ये आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़ कर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें लिस्ट बनानी है जिससे कि हम लोग दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट करके आंसर कर पाएँ क्वेश्चंस के। अब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो इसके पास में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक तो है पेयर ऑफ किडनी, एक तो बना हुआ है पेयर ऑफ किडनी, इन्हीं से निकलते हैं यूरेटर जो बनी हुई यूरिन को कैरी करके लाएंगे, स्टोर की जाएगी ये आपके, टेम्परेरली स्टोर की जाएगी आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। जस्ट इतना सा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा। पेयर ऑफ किडनीज होंगी, और हमारी किडनीज है मेटानेफ्रिक क्योंकि इनके पास में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। एक पेयर होगा यूरेटर्स का, एक सिंगल होगा यूरिनरी ब्लैडर, और होगा एक यूरेथ्रा। ठीक है, अब बात करें अगर हम किडनीज की, तो आपकी किडनीज होती हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम इस किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक राजमा जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ राजमा जैसी आपकी ये दिखाई दे रही है। तो इनका जो शेप होती है बेटा, ये बीन शेप होती है, बीन शेप की होती हैं। एंड कलर भी इनका राजमा जैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर भी इनका रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर की है। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें लास्ट वाला थोरेसिक यानी कि TH12 एंड थर्ड वाला लंबर, इन दोनों के बीच में कहीं लोकेटेड है। लास्ट थोरेसिक यानी कि TH12 एंड थर्ड लंबर, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी लोकेशन की बात हो गई, अब देखिए अगर हम इसका साइज़, अच्छा एक ये चीज़ और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको यहाँ पर, इसमें क्या होता है जैसे कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन की, तो फ्रंट साइड पे नहीं है ये, डॉर्सल वॉल पर प्रेजेंट है। मतलब आपकी बॉडी की इनर साइड की डॉर्सल वॉल पर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं। ठीक है,
कहाँ प्रेजेंट है ये? डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम लोग रेट्रो पेरिटोनियल भी कहते हैं। ठीक, जिसे हम लोग रेट्रो पेरिटोनियल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, रेट्रो पेरिटोनियल, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए, इस किडनी की अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका बड़ा ही स्पेसिफिक है। हम यहीं पर बना लेते हैं इसका साइज़। ये देखिए, लेंथ की अगर बात करें, अगर इस किडनी की हम लोग डायमेंशंस देखें, यहाँ लिख लेंगे डायमेंशंस में लेंथ जो है किडनी की, लेंथ होगी बेटा इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी है ये? 10 से 12 सेंटीमीटर, जबकि इसके विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ होगी इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर की, यहाँ लिख लीजिए विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस होती है बेटा इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर, जो कि आपकी एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक है, तो लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है, ये जो आपकी किडनीज हैं या इनका वेट कितना है? एक किडनी का वेट होता है बेटा 120 से 170 ग्राम की आपकी किडनी है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, 120 से 170 ग्राम, मतलब दोनों किडनी मिला के आपके 250 ग्राम की है। ठीक है, दोनों किडनीज मिला के आपकी लगभग 250 ग्राम की है। ठीक, फिर इससे ही अराइज होते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये आपके यूरेटर्स हैं जो बनी हुई यूरिन को लेकर आ रहे हैं किसके पास? ब्लैडर के पास। एक एक बूंद यूरिन की फॉर्म होती है एंड ब्लैडर में भरती जाती है। ब्लैडर बेटा एक स्ट्रेचेबल आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं। इनर साइड पर इसके पास में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट में है यूरेथ्रा, जिससे कि आप यूरिन रिलीज आउट करेंगे। यूरेथ्रा की बात की जाए तो ये यूरेथ्रा आपका बेटा मेल्स के केस में थोड़ा सा लॉन्गर होता है, मेल्स के केस में ये लॉन्गर होता है। अगर लेंथ की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, जबकि फीमेल्स के केस में ये थोड़ा सा शॉर्टर होता है। ठीक है, शॉर्टर इन द सेंस इसका लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक, एक और बात आपके यूरेथ्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा बेटा ये जो आपका है, इसके पास में प्रेजेंट होते हैं 2 स्फिंक्टर, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, इसके पास में एक प्रेजेंट होगा इंटरनल स्फिंक्टर, एक प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। होगा क्या, जैसे ही आपका ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो इंटरनल स्फिंक्टर अपने आप ओपन हो जाएंगे बेटा, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में होगा। जब आप चाहेंगे तभी आप यूरिन रिलीज आउट करेंगे, तो इंटरनल स्फिंक्टर अपने आप ही ओपन हो जाएगा, यानी कि ये इनवॉलेंट्री है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में है, इट इज़ वॉलेंट्री। इतनी बात क्लियर है? तो ये है बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसकी कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। आगे अगर हम बढ़ें तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एक है एओर्टा, एक है वेना केवा, यहाँ पर रीनल वेन और यहाँ पर आपको दिख रही है रीनल आर्टरी। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली, दीज आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड वेसल्स है। ऑब्वियसली हमारे ऑर्गन्स के पास में आती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके देती हैं हमारे ऑर्गन्स को और डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती हैं। वही सेम काम है, आयोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
एंड ऑब्वियसली रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। जबकि रीनल वेन निकल के जा रही है तो इसके पास में होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना केवा लेकर जा रही है तो इसके पास में होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारी किडनीज के पास में जो ब्लड आ रहा है वो फिल्टर होने के लिए आता है। ऑक्सीजन का फिल्टरेशन नहीं होना है यहाँ पर, गैसेस का फिल्टरेशन नहीं होना है, बट नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्टरेशन होना है, यूरिन फॉर्म होनी है। तो हमारी जो आर्टरीज़ है, जो रीनल आर्टरीज़ है, इनके पास में नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हमारा यूरिया है ये होगा ज़्यादा, जबकि रीनल वेन के पास यूरिया होगा कम, क्योंकि अब ये प्योर होकर जा चुके हैं। तो अगर हम देखें रीनल आर्टरी इन द सेंस ऑफ यूरिया इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, इन द सेंस ऑफ यूरिया रीनल वेन प्योर ब्लड कैरी करती हैं, जबकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में या फिर ऑक्सीजन की अगर हम लोग रिस्पेक्ट में देखें तो सेम है, जैसा कि आर्टरीज एंड वेन्स का फंक्शन है ही, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब बात अगर हम करें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनसीईआरटी का एक डायग्राम बेटा ये और दिया हुआ है, ये और देख लीजिए आप। एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स और बनी हुई हैं, दिख रही हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि किडनी ने एक टोपी पहनी है। ये आपकी ग्लैंड्स हैं बेटा, जिन्हें हम लोग एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि कपल ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इन हॉर्मोन्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में, ठीक। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर, भाई देखिए, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, किडनी है, डॉर्सल एओर्टा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड ये इन्फीरियर वेना केवा की यहाँ मार्किंग है। एनसीईआरटी की जो मार्किंग्स हैं बेटा वो आपको बहुत पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कि आपने क्लियर है बेटा कि आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक बार देख कर जाना है अपने एग्जाम में जाने से पहले। अब बात आती है कि मैम ये वाला डायग्राम तो आपने, इसकी ये वाली लेबलिंग तो हमें बताई नहीं है। ये बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। अब देखिए एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो आपकी जो किडनी है ना बेटा, इसके सबसे ऊपर एक होता है कैप्स्यूल, सबसे ऊपर एक प्रेजेंट है कैप्स्यूल, जिसे हम लोग रीनल कैप्स्यूल भी कहते हैं, और ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर टफ लेयर है, TOUGH, आउटर टफ लेयर है, सबसे आउटर की एक टफ लेयर है जिसे हम लोग रीनल कैप्स्यूल कहते हैं। इसके अंदर अगर आप आएँ तो आपकी किडनी में बेटा दो जोन्स होंगे, टू जोन्स होंगे, एक होगा आउटर, एक होगा इनर। जो आउटर जोन है इसे कहा जाएगा कॉर्टेक्स, जबकि इनर को कहा जाएगा मेड्यूला, ठीक। कॉर्टेक्स जो है आउटर साइड पर प्रेजेंट है एंड मेड्यूला इनर साइड। मेड्यूला बेटा डायरेक्टली एज सच इनर जो रीजन है वो नहीं है, ये फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड्स, ठीक है। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, जिन्हें हम लोग मेड्यूलरी पैरामिड्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग मेड्यूलरी पैरामिड्स कहते हैं बेटा, ठीक है। तो कोनिकल मासेस होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देती हूँ, जिन्हें हम लोग मेड्यूलरी पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देखिए है क्या, आउटर साइड पर तो एक ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये जो आउटर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम लोग कहते हैं रीनल कैप्स्यूल, जो कि आउटर टफ लेयर है। इसके जस्ट अंदर का ये वाला जो रीज़न है बेटा, अलग कलर से देख लीजिए तो थोड़ा इजीली समझ आएगा, ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जिसे मैं आउटलाइन करके बनाती जा रही हूँ, ये वाला जो रीज़न है ये आपका पूरा है कॉर्टेक्स, समझ रहे हैं, ये क्या है कंप्लीट कॉर्टेक्स, ठीक, ये है कंप्लीट आपका कॉर्टेक्स, इसके आउटर वाला, ठीक। एंड कॉर्टेक्स के अंदर ये पैचेस में ये वाला जो मास प्रेजेंट है, ये वाला जिसे मैंने कंप्लीट वाइट कर दिया, इन्हें हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक, इन्हें हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। इन मासेस के बीच बीच में से आपने नोटिस किया होगा कुछ कुछ कॉर्टिकल रीजन यहाँ आ रहा है, तो जैसे ये कॉलम के फॉर्म में अंदर आ रहा होता है, जिन्हें हम लोग रीनल कॉलम कह सकते हैं बेटा, जो आपका कॉर्टेक्स का रीजन
मेड्यूला के रीजन में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टेनी, कॉलम ऑफ बर्टेनी। ठीक, एक ये आपको नाम याद रखना है। तो दीज आर रीनल पैरामिड्स एंड यहाँ पर हो गया आउटर इज कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉलम ऑफ बर्टेनी। कॉलम ऑफ बर्टेनी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन इन बिटवीन द मेड्यूलरी पैरामिड्स। ठीक है, एक ये चीज़ आपको पता है, एक ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली, अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा ये चीज़ें। अब देखिए, यहाँ से ये रीनल आर्टरी जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि ये मेड्यूलरी पिरामिड है ना, ये मेड्यूलरी पिरामिड एंड हुआ, दिख रहे हैं, इधर देखते जाइए, एक ये मेड्यूलरी पिरामिड एंड हुआ आपका, एक ये मेड्यूलरी पिरामिड आया। ठीक, इन मेड्यूलरी पिरामिड से कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं माइनर कैलाइसिस, इन्हें हम लोग कहते हैं माइनर कैलाइसिस। अब ये बहुत सारे माइनर कैलाइसिस मिक्स होकर बना लेते हैं मेजर कैलाइसिस। ठीक, अब ये बना लेंगे मेजर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस। अब ये मेजर कैलाइसिस और भी आएंगे यहाँ पर और ये फॉर्म कर देंगे बेटा, मेजर कैलाइसिस माइनर कैलाइसिस ये फॉर्म कर देंगे एक रीजन, ये वाला रीजन जो आपको यहाँ बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस या फिर पेल्विस रीजन। ठीक, इसे हम लोग कह देंगे पेल्विस रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपका जितना भी कलेक्ट होकर यूरिन फॉर्म हुआ है, मेड्यूलरी पिरामिड से माइनर कैलाइसिस में आया, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस में आया, मेजर कैलाइसिस से रीनल पेल्विस में, और पेल्विस आपका एक्सटेंड हो जाएगा इन यूरेटर्स, इन यूरेटर्स, और ये यूरेटर्स यूरिन को बूंद बूंद करके कैरी करेंगे एंड आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, ये वाला रीजन जहाँ से ये आपका रीनल पेल्विस अराइज हो रहा है, ठीक है, ये रीजन जहाँ से ये आपका रीनल पेल्विस अराइज हो रहा है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं बेटा हाइलम। ठीक, तो कैलाइसिस देखो यहाँ पर लिखे हुए माइनर मेजर मेंशन नहीं है, आर्टरी वेन हो गया, पेल्विस हो गया एंड यूरेटर, यही आप इस डायग्राम में मार्किंग करके देख सकते हैं, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं आप, ये आपके पिरामिड्स दिए हुए हैं, इसके बीच में बन जाएंगे हमारे कॉलम एंड इस तरीके से। एनसीईआरटी में एक बड़ा डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें इसी तरीके से लेबलिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही है ये। ठीक है, एक साइड पर आपको इसमें लेबलिंग करके दी हुई है, जस्ट सेम एनसीईआरटी ही है। ठीक है, तो उसमें ये वाली सारी चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। आउटर टफ लेयर इज रीनल कैप्सूल, उसके अंदर साइड होगा कॉर्टेक्स और अंदर के रीजन में मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो एक्सटेंड हो रहा है कॉर्टेक्स का रीजन, उन्हें हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टेनी, क्योंकि बर्टेनी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये जो आपके मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, इनसे अराइज होंगी माइनर कैलाइसिस, बहुत सारे माइनर कैलाइसिस मिलकर बना लेंगी मेजर कैलाइसिस, एंड मेजर कैलाइसिस मिलकर बना लेंगी रीजन पेल्विस, जो पेल्विस ओपन हो जाएगा इनटू यूरेटर्स। ठीक, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस रीजन को हम लोग हाइलम कहते हैं, एंड आर्टरीज वेन इसमें आ रही हैं एंड जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात। इट इज़ योर एनाटमी ऑफ योर किडनी। अब बात आती है हमारी किडनी, मैंने आपको ये बताया कि इसमें यूरिन फॉर्म हुई है, तो यूरिन फॉर्म कैसे हुई, मैंने बताया कि इसमें यूरिन फॉर्म हुई है तो यूरिन फॉर्म कैसे हुई, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। यूरिन फॉर्मेशन हो रही है हमारी किडनीज में एंड माइनर कैलाइसिस में आ रही है, फिर मेजर में आ रही है, फिर पेल्विस में और फिर यूरेटर्स में। फॉर्म करने के लिए बेटा बहुत सारी आर्मी लगी हुई है, मिलियंस ऑफ आपकी यूनिट्स लगी हुई हैं, सेल्स नहीं कह सकती मैं, यूनिट्स हैं जिन्हें कि हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, जो कि आपकी हैं नेफ्रॉन, जिन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेटा, यूनिसेल्युलर नहीं है ये, बहुत सारी सेल्स ने मिलाकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और आपकी हर एक किडनी में 1 मिलियन है, मतलब कि आपके पास 2 मिलियन क्या है, सब्सक्राइबर नहीं, फॉलोअर नहीं, आपके पास 2 मिलियन नेफ्रॉन है दोनों किडनी के मिला के, 1 किडनी में 1 मिलियन। ठीक, अब बात आ जाती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। बेटा ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एनसीईआरटी का आपका ये डायग्राम है, ठीक है, दोनों ही सेम है, वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया है, आप यहीं से इसको समझ भी जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए
ये है आपका नेफ्रॉन। आपके नेफ्रॉन में बेसिकली है दो पार्ट्स, वन इज ग्लोमेरुलस एंड अनदर इज ट्यूबुलर पार्ट। ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये देखिए, ये फर्स्ट थिंग इज, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, दिख रहा है आपको, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। ये है आपका बेटा बोमेंस कैप्सूल, जिसे मैं ग्रीन करती जा रही हूँ, दिख रहा है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही एक्सटेंड हो जाता है इन बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्वुलेटेड एक ट्यूब्यूल में, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। समझे, बोमेंस कैप्सूल एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्सटेंड हो जाता है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल में, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कैरी करता है ग्लोमेरुलस को। इस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस है क्या बेटा, बेसिकली एक आर्टेरियोल आता है, एफरेंट आर्टेरियोल जो आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे कैपिलरीज में, टफ टफ कैपिलरीज बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। एंड फिर ये फाइन सी एक आर्टेरियोल में से वापस एक निकल जाता है, जिसे हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ई से एग्जिट, ई से एफरेंट, ठीक है। ये जो आपका ग्लोमेरुलस है बेटा, ये क्या है, टफ टफ कैपिलरीज है, ठीक। दिस ग्लोमेरुलस इज अ टफ टफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक। फॉर्म कैसे हुआ है, फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक। हुआ क्या, फाइन ब्रांच, आर्टेरियोल क्या है, मतलब फाइन ब्रांचेस हैं आपके, ये ब्रांचेस हैं ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक। हो क्या रहा है, ब्लड आ रहा है आपके ग्लोमेरुलस में, एंड ये यहाँ पर होगा बेसिकली फिल्टर, जब आपके यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो आप लोग यूरिन फॉर्मेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एंड फिर चला जाएगा वापस से एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। आपका बोमेंस कैप्सूल, ये तो आपके ब्लड से बना है ना, ब्लड वेसल से बना हुआ है। इसके बाद में ट्यूबुलर पार्ट में आता है बोमेंस कैप्सूल, फिर इससे अराइज हुआ पीसीटी, और एक लॉन्ग ट्यूब जाती है, जो कि हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसे देख लीजिए आप, एक लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड हो रही है, जिसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। देख पा रहे हैं आप, हेयर पिन आपने देखी होंगी, इसी टाइप से दिखती हैं। ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, जिसे मैंने डार्क किया है, ठीक, लूप ऑफ हेनले। अब जो लूप ऑफ हेनले अभी हम लोग नीचे गए, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड जो ऊपर असेंड किया, इसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग हेयर पिन लाइक भी कहते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसके बाद में इससे फिर एक और कैपिलरीज, ऐसे लगता है कि बिल्कुल हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बनी है, क्योंकि ये दूर है अभी, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एंड पीसीटी एंड डीसीटी बोथ आर हाईली कॉन्वुलेटेड, ठीक है, दीज आर हाईली कॉन्वुलेटेड, ठीक। एंड ये मर्ज हो जाती हैं इन कलेक्टिंग डक्ट, मर्ज हो जाती हैं इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक डीसीटी के लिए नहीं, एक डीसीटी के लिए नहीं है, कई सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट में आकर कलेक्ट हो रहे होते हैं, जो कि माइनर कैलाइसिस के थ्रू यूरिन को लेकर जा रहे होते हैं बेटा। यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट प्रोसेस यहीं से होता है, यहाँ से जो ब्लड आया है ये फिल्टर हो जाएगा, एंड इसमें एक्सचेंज होगा, आपका रीअब्सॉर्प्शन होगा, एंड इससे अल्टीमेटली आपका यूरिन फॉर्म होकर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। एक बात और, ये जो हमने इफरेंट आर्टेरियोल देखा, ये डिवाइड हो जाएगा कई सारी कैपिलरीज में, जिन्हें हम लोग कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एक कैपिलरी बिल्कुल आपके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल भाग रही होती है, जिसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। जस्ट लाइक यू शेप होती है, ये बिल्कुल यू शेप्ड होती है और पैरेलल रन कर रही होती है हमारे लूप ऑफ हेनले के, जिसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक। इसके बाद में ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, सेम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जस्ट ये पास में करके ड्रॉ किया हुआ है, वो दूर इसलिए ताकि आप लोग लेबलिंग कर पाएं।
इसके बाद में ही वही नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ ग्लोमेरुलस, अदर इज़ रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स में ही बोमेंस कैप्सूल और ट्यूबुलर पार्ट्स आते हैं. ट्यूबुलर पार्ट्स जिसके PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, यहाँ से आपको क्लियर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ठीक, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रही है. ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर हम लोग कहते हैं मैल्पिजियन बॉडी. एक ये चीज़ आपको याद रखनी है जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है. इतनी बात क्लियर है. अब बात आती है आपके ये जो नेफ्रॉन है बेटा, ये भी दो तरीके के होते हैं. वन आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अदर आर जेक्स्ट्रा मेडिलरी नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्टेक्स में रहते हैं. लूप ऑफ हेनले का जो रीज़न होता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारे नेफ्रॉन है ये, इनके लूप ऑफ हेनले का जो रीज़न होता है ये मेड्यूला रीजन में होता है बेटा, इससे ऊपर का कॉर्टेक्स के रीजन में. जिन नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जिन नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं एंड इनका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो मेड्यूला में बहुत थोड़े ही जा रहे होते हैं, एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू मेड्यूला. ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. इसमें वासा रेक्टा तो होती ही नहीं है. वासा रेक्टा या तो एब्सेंट ही हो जाती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है. ठीक, वहीं अगर हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इनके लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होते हैं बेटा. लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होते हैं जो कि पूरे डीप में जाते हैं आपके मेड्यूला रीजन में. ठीक है, जो कि आपके काफ़ी डीप जाते हैं, रन्स वेरी डीप इनटू मेड्यूला. ठीक है, और इसके पास में ऑब्वियसली वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी. ठीक, तो ये है बेटा कुछ आपके किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इन नेफ्रॉन में कैसे फॉर्म होता है यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, आपके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्चुरेशन एक्चुअली क्या है, एंड इसके बाद में आते हैं कुछ और सिर्फ किडनी ही वर्क नहीं कर रही, कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हैं. अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भी पता है कि और कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हैं. इसके बाद में लास्ट में हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स और हीमोडायलिसिस, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे भी पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका एंड हो जाएगा. आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है तो, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे नोट्स के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे. तो स्टे ट्यून्ड विद ऑपरेशन नीड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.